हेलो माय प्रिटी वुमेन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही वायरल। तो ये जो है फेस आइस रोलर है जो कि काफ़ी वायरल चल रहा है इस समय। तो मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है। तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है अभी। तो मैंने ये आइस फेस रोलर मंगाया है जो कि इस तरीके से हमको मिला है। ये इस तरीके का है और गाजरी कलर में ये हमको मिला है। और इसका प्राइस जो था 245 था इसका प्राइस। मैंने मतलब इससे महंगे महंगे भी थे लेकिन मैंने सस्ता वाला मंगाया है। यहाँ से इसमें हम पानी को ऐड करेंगे और इस ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये है। तो चलिए देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं कि कितना वर्क करता है या नहीं करता है। इसको इसमें हम पानी भरेंगे। ये मैं फिल्टर का पानी यूज़ कर रही हूँ। इसमें पानी मैंने फिल कर दिया है और हाल फिलहाल पानी कहीं से लीक नहीं हो रहा है। अब हम इसको फ्रिजर में रख देंगे। इसको फ्रिजर में रख दिया है, इसको कल चेक करेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कल इसको फ्रिजर में रखा था। तो आज इसको चेक करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। ये इतनी आसानी से तो नहीं निकला, मुझे इसको जो है ना थोड़ा पानी में भिगो के लाना पड़ा तब ये निकल गया है। ये देखिए इस तरीके की इसमें आइस जो है जम गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए काफ़ी सही है। मतलब आप इसमें गुलाब जल को डाल के जमा सकते हैं, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, ग्लिसरीन वगैरह मतलब कुछ भी आप डाल के इसको जमा सकते हैं। सही चीज़ बनाई यार, मतलब बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं इसको फेस पे यूज़ करके देखती हूँ। सही, यूज़ करने में काफ़ी आसान है। मतलब एक क्यूब चेहरे पे लगाने से ज़्यादा सही है। सही चीज़ बनाई यार, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब आपको जितना यूज़ करना आप उतना यूज़ करके और फिर इसको आप वापस इस तरीके से बंद करके आप फ्रिजर में स्टोर कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो बढ़िया चीज़ है जो भी बनाई है और काफ़ी सही चीज़ है। मेरी तरफ से तो इसको 10 out of 10। और मैं इसको ओके ओके तो नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट कहूँगी और काफ़ी सस्ता भी है। ऐसा नहीं कि महंगा है बहुत। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप इसमें मतलब कच्चा दूध भी डाल के इसको जमा सकते हैं, उसको अपने फेस पे रफ कर सकते हैं, या फिर आप गुलाब जल कुछ भी मतलब बना के लिक्विड फॉर्म में उसको जमा सकते हैं। जूस आप जमा सकते हैं, जूसेस फेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आप जैसे अनार का जूस या फिर पपाया जूस, ये सब स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर वो इस तरीके से आपको आइस फॉर्म में मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए। आप उसको इस तरीके से अपनी आँखों के नीचे, अपने चिक्स पे, हर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा है मुझे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें। बाय।